नमस्कार। कल हमने गीता में आहार पर चर्चा करी, आज आयुर्वेद में आहार पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद एक उत्तम जीवन शैली का ग्रंथ है, जिसमें प्रातः उठने से लेकर रात्रि को सोने तक क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए का विस्तृत रूप से वर्णन है। इसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या व ऋतुचर्या का वर्णन है, जिसका पालन कर मनुष्य एक स्वस्थ जीवन बिता सकता है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आयुर्वेद के चार स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने के लिए तीन उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इसमें आहार का स्थान प्रथम है, क्योंकि आहार सही होगा तो निद्रा भी सही आएगी और शरीर संतुलित अवस्था में रहकर निरोग रहेगा। किसी ने सही कहा है कि मनुष्य अपनी थाली पर ही बनता या बिगड़ता है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर की पुष्टि, बल प्राप्ति, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आहार शरीर का धारक है, प्राणियों के लिए अन्न अमृत तुल्य है और जब अन्न अयुक्ति पूर्वक सेवन किया जाता है तो यही अन्न विष बन जाता है। अन्न मार्ग से जो कुछ शरीर के अंदर जाता है उसे आहार कहते हैं। आहार रसादी धातुओं में परिणत होकर शारीरिक अंगों का पोषण करता है, साथ ही शरीर की रक्षा करता है। यह शरीर की क्षति को पूरा कर शारीरिक शक्ति का विकास करता है और शरीर को जीवित रखता है। अतः स्वस्थ रहने के लिए आहार विद्या का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आज विश्वव्यापी व्याधि कोरोना फैला हुआ है और जो सावधानियाँ आज रखने को बताई जा रही हैं वह वर्षों पहले आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के रूप में निहित है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के कुछ सामान्य नियम हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए, हो सके तो पैरों को भी धोएं। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय यह भावना करनी चाहिए कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे शरीर को आरोग्य रखे। भोजन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। भोजन करने के उपरांत तत्काल यूरिन करने जाना चाहिए। भोजन करने के उपरांत दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। आयुर्वेद में आहार के 5 सूत्र और बताए हैं कि क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। इन पर चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।